बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछली उसमें हमने समांतर माध्य जो है हमने व्यक्तिगत श्रेणी में बताया था। आज जो हम बताएंगे वह जो है खंडित श्रेणी में होगा। ये खंडित श्रेणी में जो है आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष रीति का सूत्र और लघु रीति का सूत्र, जैसे हमने व्यक्तिगत श्रेणी में देखा था वैसे ही खंडित श्रेणी में देखेंगे। अब इसमें है प्रत्यक्ष रीति का सूत्र है सिग्मा, ये अब हमारा क्या है माध्य है, ये सिग्मा एम एफ बटे सिग्मा एफ, या हम इसके बारे यहाँ पर एन भी लिख सकते हैं। व्यक्तिगत में आप लोगों ने देखा होगा कि हम वहां पर एन लिख रहे थे। यहाँ पर है एक्स जो है अंकगणित का माध्य है, एम एफ जो है मूल्य गुणनफलों का योग है, आवृत्तियों का योग है, वैसे ही लघु रीति में भी है। तो इसको हम इस तरह से इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो गणित दिया हुआ है ये हम प्रत्यक्ष रीति से कर रहे हैं, ये हम प्रत्यक्ष रीति से कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा सूत्र क्या था, एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो ये हमारा प्रत्यक्ष रीति का सूत्र है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जो सिग्मा एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स किसको मानते हैं, एक्स हम इसको मानते हैं। और ये जो है यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये माध्य के लिए ऊपर हम डंडी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक्स जो है हम स्मॉल में ले रहे हैं, तो उसको ध्यान रखना है आपको। तो ये विद्यार्थियों की संख्या है, इसको हम एफ से दर्शाते हैं, एफ जो है उससे हम दर्शाते हैं, जिसको कि फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों का हम गुणा करेंगे, सिग्मा यहाँ पर सिग्मा नहीं आएगा, एफ एक्स, मतलब ये दोनों का हम यहाँ पर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 65 एकम, ये 65 हो गया। उसी तरह से 66 का हम जब 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 264। फिर उसी तरह से 5 का गुणा हम 67 से करेंगे। तो इस तरह से ये सबका हम आपस में गुणा करते चले जाएंगे, तो ये जो है हमारी जो संख्याएं हैं वह निकल आएंगे। अब जैसे 11 है, 11 9 99 आ गया, और यहाँ पर 11 6 66, और फिर वो 9 को जब हम प्लस करेंगे तो 759 हो जाएगा। इस तरह से ये सारे जो है हम आपस में जब गुणा करेंगे तो ये संख्याएं हमें प्राप्त होंगी। फिर इन सबको गुणा करने के बाद हम जब देखेंगे तो ये 288, 146, ये जो है ये संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। अब इनको हम जब टोटल करेंगे तो इनकी संख्या जो है वह है 50, और इसकी संख्या है 3,459। मतलब इसको भी हमने टोटल कर दिया, इसको भी हमने टोटल कर दिया। अब ये जो हमें प्राप्त हुई है ये सिग्मा एफ प्राप्त हुआ है, और ये जो मिला है हमें सिग्मा एफ एक्स। जब हम कुल में जोड़ते हैं तब हम सिग्मा को जोड़ देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो सूत्र है हम उसमें ये संख्याओं को रखेंगे। तो यहाँ पर 3,459 है बटे यहाँ पर ये 50 आ गया, यहाँ पर हमारा ये सूत्र ये चल रहा है। तो अब हम जब हम इसको काटेंगे वह कैसे आएगा, 50 का जब हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 69.18। ये जो है हमारा प्रत्यक्ष रीति का जो है वह आंसर आ गया। इसमें प्रत्यक्ष रीति में कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर हमें क्या करना है, ये संख्याएं लिखनी है, ये सारणी दिया हुआ है उसको हमें ऐसा लिखना है। उसके बाद ये दोनों को हमको यहाँ पर क्या करना है, एफ एक्स में इन दोनों को गुणा करना है और उसको हमको टोटल करना है। इस तरह से हमें क्या हो जाएगा, ये जो आंसर है ये हमें मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे लघु रीति में। अब लघु रीति में आप लोग देख रहे हैं कि इसमें ए है, ए जो हमने व्यक्तिगत श्रेणी में भी कल्पित माध्य के रूप में हमने उसको उपयोग किया था। यहाँ पर ये एक्स है और ये एफ है। तो यहाँ पर जो है अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो कल्पित माध्य है उसमें हमने यहाँ पर जो कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य इसको हमने 69 माना है,
जो बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 ये पांचवी जो संख्या है ये हम एकदम बीच में जो रहता है उसको हम कल्पित माध्य के रूप में लेते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कल हमने व्यक्तिगत श्रेणी में भी जैसा किया था वैसे ही ये संख्याएं जो हैं ये भी कम होती चली जाएंगी। जैसे अब 69 में से 65 को घटा है तो ये हमारा जो कल्पित माध्य वाला है ये डी एक्स कहलाता है। जब हम ये मानेंगे तो ये डी एक्स कहलाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 65 में से 69 को घटाएंगे तो यहाँ पर -4, फिर -3, फिर -2, -1, 69 से 69 कटेगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर फिर +1, +2, +3, +4, ये इस तरह से बनता हुआ चला जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमें छोटी संख्या जो मिल गई है अब इसको जो है हम यहाँ पर सिग्मा एफ डी एक्स मतलब इस संख्या का गुणा जो है इससे हम करेंगे। तो सबसे पहले है 4 एकम 4, 4 तिया 12, 5 दुनी 10, 7 एकम 7, इस तरह से ये संख्याएं जो है हमें चली जाएंगी। फिर यहाँ पर 10 6 दुनी 12, 4 तिया 12, 4 दुनी 8, इस तरह से ये संख्याएं जो है हमें मिलती चली गई हैं। अब इसमें हमने पिछली उसमें भी हमने देखा था कि ये जो है ये संख्याएं अलग जुड़ेंगी और ये संख्याएं प्लस वाली जो है ये अलग जुड़ेंगी। आप प्लस का निशान लगाइए या नहीं लगाइए, प्लस में ही माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ये जो संख्या है ये कितनी आ रही है। तो 4 2 6 और इस तरह से हम इसको जब टोटल करेंगे ये हो जाएगा 42, 42 प्लस में है और माइनस में 33 है, मतलब ये संख्याएं जो हैं वो अलग अलग हो गई। इस तरह से हमारा जो ये संख्या जो है वह कितना मिल जाएगा, जब हम उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जो है ये 9 प्राप्त हो जाएगा। तो ये सिग्मा एफ डी एक्स है। अब उसके बाद हम इसको टोटल किए थे तो हमारा क्या था, ये 50 है, तो ये क्या है सिग्मा एफ है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसको जो सूत्र हमने ये जो लिख कर रखे हुए हैं इसमें ये सारे अंक जो है हम उसको उसमें लिख देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कल्पित माध्य हमने 69 माना है और इसके बाद ये जो संख्या हमें यहाँ पर मिली है ये यहाँ पर 9 है और इसके नीचे यहाँ पर ये 50 है। ये हमारी जो क्या है ये जो अंक हमें प्राप्त हुए हैं वह हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि जब हम ये इसका इसमें भाग देंगे तो 69 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 0.18, ये आया हमारे पास। फिर जब हम इसको जोड़ देंगे तो 69.18, ये जो आप जब देखेंगे तो इसमें जो है लघु रीति में भी और इसमें जो ये आंसर जो आया है ये दोनों में ही कैसा है, समान है। ये चीज़ हमने व्यक्तिगत श्रेणी में भी देखा था। ये गणित जो है आप जितनी बार करेंगे बार बार करेंगे तो ही आपको ये समझ में आएगा, और इस वीडियो को आप बार बार देखिए तो ये समझ में आ जाएगा कि ये गणित को हमको कैसे करना है। फिर अब ये जो दिए हुए हैं ये आपके गृह कार्य दिए हुए हैं, इसमें ये जो गणित जितने दिए हुए हैं ये सबको एक गणित जिस तरह से मैंने बताया एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रीति में बताया है वैसे ही एक एक गणित को जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में या फिर लघु रीति दोनों से ही उसको करना है। इससे आपके ये क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, जस्ट डबल हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, इसलिए आपको ये दोनों रीति से करना है।